हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेमत और आप नेमत खाना से जुड़े हुए हैं। आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। बहुत ही आसान ढंग से बनाने वाले हैं और इसके लिए मैंने इमली की बजाय इमली का पल्प इस्तेमाल किया है। तो जुड़े रहे मेरे साथ, नोट करें इंग्रेडिएंट। बहुत ही आसान तरीका है और इस चटनी को बना लेने के बाद चाट बनाना हमें बहुत ही आसान लगेगा। हर तरह की चाट में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी तरह के पकोड़े में, समोसे में और खिचड़ी में भी इसे खाया जा सकता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों, इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो है इमली। यहाँ पर मैंने अपनी आसानी के लिए, समय बचाने के लिए इमली का यूज़ नहीं किया है, बल्कि ये इमली का पल्प या इमली का पेस्ट मैंने यूज़ किया है। ये मदर्स का है, 200 ग्राम का इमली का पेस्ट है। तो इसी से आज हमारी चटनी तैयार की जाएगी। अब चलिए एक नज़र दूसरे मसालों को देखते हैं। दूसरा मुख्य इंग्रेडिएंट है गुड़। गुड़ को तोड़कर या काटकर हमें इस तरह से टुकड़े में कर लेना है और इसको फूलने के लिए हमें इसमें पानी डाल देना है। ये जब फूल जाएगा तो हम इसे चटनी में यूं ही इस्तेमाल कर लेंगे, या अगर इसमें इम्प्यूरिटीज होगी तो हमें इसे छान कर इस्तेमाल करना होगा। और गुड़ लेते समय काला गुड़ ही ले देख कर लें, जो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा या गोरा गुड़ होता है उसमें ब्लीच रहता है जो कि नुकसानदेह होता है। टेबल सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, लाल तीखी मिर्च, काली मिर्च, हींग, ये यहाँ पर हमने एवरेस्ट का हींग लिया है, ज़ीरा पाउडर। इसे बनाने के लिए मैंने एक थिक बॉटम कढ़ाई का इस्तेमाल किया है और इसमें इस इमली को डालना है। तो जनरली इधर से हमें डालना था, लेकिन मैंने इसकी पिछली साइड से इसे कट कर दिया है और अब यहाँ से इमली का पल्प निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। और मेरा ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि समय कैसे बचाया जाए। तो इस तरह से मैंने सारी इमली को निकाल लिया है। मैंने इसे अब कढ़ाई में निकाल कर रख लिया है और पैकेट के ऊपर लिखे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एक चम्मच इमली के पल्प में एक लेमन जूस के बराबर खटास होती है। तो अब इसमें दूसरे मसाले डालना है। तो नमक और मिर्ची मैंने डाल दिया। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हींग डाल लेना है। बहुत से लोग जीरे का बघार भी डालते हैं, मगर इसमें सब कुछ घोल कर ही डालना है, क्योंकि मैं इंस्टेंट चटनी बना रही हूँ, बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से और बहुत ही टेस्टी। तो अब यहाँ पर मैं इसमें गुड़ मिलाने वाली हूँ और इसकी चिंता नहीं करना है कि ये पूरी तरह पिघला नहीं है। ये आग पर चढ़ेगा तो खुद ब खुद पिघल जाएगा। अब सब चीज़ों को मिला लेना है और देखिए ये कितनी जल्दी बन जाएगा। और ये बिल्कुल आपके टेबल पर भी एक महीना पड़ा रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। और प्रिजर्वेटिव के लिए मैं इसमें एक टेबल स्पून सिरका और थोड़ा सा मैं पुदीने का सूखा हुआ पत्ता का चूरा भी मिलाऊंगी, जो कि मुझे पर्सनली पसंद है और बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है। अब इसे फ्लेम पर चढ़ाकर पका लेना है। चटनी में अब उबाल आ चुका है तो यहाँ पर फ्लेम को हमें कर देना है धीमा। अब धीमी आंच पर ही हमें इसे बनाना है और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाला है। अब इसका अच्छा सा टेक्सचर आएगा, इसके लिए हम यहाँ पर मिला रहे हैं एक टेबल स्पून चीनी। आप इसे सिर्फ चीनी से भी बना सकते हैं, सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं और चीनी और गुड़ 50-50 मिलाकर भी बना सकते हैं। तो 5 मिनट से ये चटनी
तैयार हो रही है और इसमें गाढ़ापन भी आ रहा है। देखिए इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये फिर और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और हर आदमी की अपनी पसंद है, तो इसकी थिकनेस आपको जहाँ पर लगे कि आपके हिसाब से तैयार हो गया है आप फ्लेम को बंद कर दें। तो यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ पुदीना, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। और प्रिजर्वेटिव के लिए मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून सिरका। तो यहाँ मैं सिरका डाल रही हूँ और अब फ्लेम को कर देना है बंद। दोस्तों अगर किसी वजह से आपकी चटनी रनी हो जाए, लिक्विडी हो जाए, तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ठंडे पानी में घोलकर मिला दें और अगर गाढ़ी हो जाए तो सिरका मिला दें। किसी भी तरह के चाट पर या समोसे के साथ इसे आप सर्व करें, बिल्कुल ये हलवाइयों वाली चटनी बनकर तैयार होगी। और अगर आपको किसी पार्टी में इसे इस्तेमाल करना है या किसी त्यौहार के मौके से और आप चाहते हैं कि बिल्कुल हलवाई की तरह से ये दिखे, तो आप इसमें थोड़ा सा लाल कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर घर में बनाने पर ये बिना कलर के ही सही है क्योंकि ये ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। परफेक्ट मेज़रमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और इस तरह की एक चटनी मैंने अपने YouTube पर डाली हुई है जिसमें खजूर का इस्तेमाल किया है, तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और इस चटनी का एक ख़ास इंग्रेडिएंट है सौंठ, मगर मेरे पास सौंठ नहीं है तो मैं पिसी हुई अदरक का थोड़ा सा रस इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ इस तरह से। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलिए तो अब हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जिस चटनी को बनाने में इमली से पल्प निकालने में ही आपका बहुत सारा वक्त चला जाता है, वो बिल्कुल मिनटों में आपका आसानी से काम हो जाता है। तो इस तरह से आप चटनी बना के देखें, उम्मीद है आप इसे बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो आप इसे बनाएं, खाएं और खिलाएं लोगों के साथ, इसकी रेसिपी को शेयर करें। उम्मीद है आपने आज खूब इंजॉय किया होगा। थैंक यू।